हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट लेंथ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमएसबीटी स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इसमें भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है शीयर एंड बॉन्ड, इसमें हम लोग टाइप स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड वाला, जिसमें आपको 9th 10th अप टिल 13th क्वेश्चन ट्राई करने। आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, वर्कआउट द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 20 mm डायमीटर इन टेंशन एंड कंप्रेशन फॉर M20 कॉन्क्रीट विथ माइल्ड स्टील एंड Fe 4 and 5 स्टील। तो यहाँ पर आपको इसका डायमीटर दिया बार का, एंड इसने बोला है टेंशन में भी निकालना है पहला केस, दूसरा केस कंप्रेशन में भी निकालना है डेवलपमेंट लेंथ। LD को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्वेश्चन मार्क। M20 कॉन्क्रीट है और दूसरा क्या है, सेकेंड इज M20 कॉन्क्रीट विथ माइल्ड स्टील एंड Fe 4 and 5 स्टील। तो आपको Fe 250 के लिए निकालना है, इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, और Fe 4 and 5 के लिए भी निकालना है। तो अभी हम लोग सबसे पहला केस लेंगे Fe 250 का, कि Fe 250 के लिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका पहला केस पकड़ते हैं हम लोग माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील इन टेंशन वाला, माइल्ड स्टील इन टेंशन। तो डेवलपमेंट लेंथ LD निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.87 Fe अपॉन 4 times tau BD। LD का फॉर्मूला क्या था, 0.87 Fe अपॉन 4 times tau BD। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको टाउ बीडी नहीं दिया है, बट एग्जाम में आपको टाउ बीडी दिया रहेगा। तो टाउ बीडी का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.2 न्यूटन पर mm² फॉर M20 कॉन्क्रीट। M20 कॉन्क्रीट के लिए टाउ बीडी का वैल्यू होता है 1.2। तो LD क्या हो जाएगा, 0.87, Fy है 250, डायमीटर है 20 का, अपॉन 4 × टाउ बीडी है 1.2। तो इसको हम वर्कआउट करेंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ LD। तो 0.87, Fy है 250 इंटू 20 अपॉन 4 × 1.2। आपका आंसर आएगा 906.25 mm। ठीक है, अब सेकेंड केस पकड़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग माइल्ड स्टील लेंगे पर उसको कंप्रेशन में कंसिडर करेंगे। तो माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन, माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन गला केस लेंगे। तो LD निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.87 Fe अपॉन 4 times tau BD। तो 0.87 Fe है 250, फाई कितना है 20, 4 times tau BD कितना आपका, टाउ बीडी है 1.2। अब IS कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपका बार कंप्रेशन में है तो आप टाउ बीडी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं 25% से। मतलब फॉर बार्स एंड कंप्रेशन इंक्रीज टाउ बीडी बाय 25%, ऐसा कोड में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इंक्रीज। तो 25% का फैक्टर आपको अप्लाई करना है टाउ बीडी के साथ, मतलब आपको टाउ बीडी को 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आता है आपका वैल्यू 0.87 × 250 × 20 upon 4 × 1.2 × 1.25। तो ये आंसर आता है 725 mm का। ठीक है, तो माइल्ड स्टील अगर कंप्रेशन में है तो आपको टाउ बीडी को 25% से इंक्रीज करना है, मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड केस लेंगे, अब थर्ड केस में हम लोग Fe 4 and 5 लेंगे और उसको टेंशन में कंसिडर करेंगे। तो Fe 4 and 5 विच इज अ डिफॉर्म्ड बार, इट इज अ डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन लेते हैं पहले, इन टेंशन।
तो LD निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.87 FY phi बाय 4 टाइम्स tau BD, दिस इज 0.87, FY है अभी 415, phi है 20 अपॉन 4 इंटू 1.2। अब IS कोड क्या बोलता है कि अगर आप डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हो, जैसे कि Fe415 एक डिफॉर्म्ड बार है, तब आप tau BD की वैल्यू को 60% से इंक्रीज कर सकते हो, मतलब tau BD टू बी इंक्रीज्ड, tau BD टू बी इंक्रीज्ड बाय 60%, इसको 60% से इंक्रीज किया जा सकता है। कब? फॉर डिफॉर्म्ड बार, फॉर डिफॉर्म्ड बार। तो आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो। बार जब टेंशन में होता है तब उसको इंक्रीज नहीं करना है, डिफॉर्म्ड बार में इंक्रीज करना है, ठीक है? तो LD यहां से आप निकाल सकते हैं, 0.87 इंटू 415 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6, ये आता है 940.23 मिलीमीटर, दिस इज 940.23। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, जब Fe415 का स्टील है इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन कौन सा स्टील है, Fe415 का। तो LD निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY phi बाय 4 टाइम्स tau BD। अब ध्यान देना, 0.87 FY कितना है, 415, phi कितना है 20 अपॉन tau BD का वैल्यू कितना आपका, एक सेकंड मैं आपका वीडियो बंद कर देता हूं, tau BD कितना आपका वो है 1.2। अब ध्यान सुनना कि Fe415 के लिए, Fe415 एक डिफॉर्म बार है, तो डिफॉर्म बार के लिए tau BD को आपको 1.6 से बढ़ाना है, मतलब 60% से बढ़ाना है, और साथ में आपको दिया है बार इन कंप्रेशन भी है, तो कंप्रेशन में कोड ने क्या बोला था कि 25% से भी बढ़ाना है, मतलब इसको वापस से आपको 1.25 से अगेन मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है? डिफॉर्म्ड बार के लिए 25% का इंक्रीमेंट है, साथ में Fe415 का बार भी दिया हुआ है, तो आपको 1.6 का फैक्टर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आता है 0.87 इंटू 415 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6 इंटू 1.25। तो यहां से आपका LD निकल के आता है 752.18 मिलीमीटर, 752.18 मिलीमीटर। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इन डिफरेंट केसेस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, डिफाइन डेवलपमेंट लेंथ एंड कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 16 mm डायमीटर बार इन टेंशन एंड कंप्रेशन, यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe500 स्टील। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, आपको इसमें आपको डेवलपमेंट लेंथ वर्कआउट करना है, बार का डायमीटर है 16 का, बार टेंशन और कंप्रेशन दोनों केसेस के लिए आपको सॉल्व करना है। याद रखना M20 कंक्रीट के लिए tau BD का जो वैल्यू 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमने लिया था, आपको वही लेना है, एंड Fe500 आपको दिया हुआ है। तो Fe500 भी एक डिफॉर्म बार है, तो इसके लिए आपको tau BD को 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11th बताता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th में बोला है लैप लेंथ निकालने के लिए, वी हैव टू फाइंड द लैप लेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बार। तो डी दिया है 20 mm का इन टेंशन एंड कंप्रेशन। अब लैप लेंथ निकालनी है आपको टेंशन और कंप्रेशन में। अब यहां पे टेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टेंशन, एक होता है डायरेक्ट टेंशन और एक होता है फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सुरल टेंशन। तीसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन।
तो अलग अलग केसेस के लिए अपने को अलग अलग लैप लेंथ निकालना है। कहा है उसने M20 कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील, तो M20 कंक्रीट है और Fe 500 का स्टील है। M20 के लिए टाउ बीडी का वैल्यू दिया होगा आपको क्वेश्चन में, वो दिया रहता है 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। Fy कितना है अपना, वो है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो लैप लेंथ का मतलब क्या होता है, जब एक बार का लेंथ कम पड़ जाता है ना, तो हम उसमें ओवरलैप करके उसको यूज करते हैं व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर्स, तो इसको बोलते हैं लैप लेंथ, वी कॉल इट लैप लेंथ। तो पहला केस है डायरेक्ट टेंशन का, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंशन के केस में जो आपका लैप लेंथ होता है ना, लैप लेंथ इज नथिंग बट वो होता है 35 और 2 टाइम्स एलडी। आपका 35 क्या होता है, सॉरी लैप लेंथ क्या होता है, इट इज 35 और एलडी, ओके। तो आपको चूज करना है विच एवर इज मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी रहेंगी वो आपको चूज करनी है। तो सबसे पहले आप एलडी निकाल लो, यहां पर एलडी होता है 0.87 Fy फाई अपॉन 4 टाइम्स टाउ बीडी। तो 0.87 Fy है 500, फाई कितना है वो है 16 का, नहीं फाई 16 था कि 20 था, चेक कर लो, यहाँ पे फाई है 20 mm का, सो दिस इज 20। 4 टाउ बीडी है 1.2, Fe 500 एक डिफॉर्म बार है तो इसको 1.6 से आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से आपका एल डी मिल जाएगा। तो 0.87 इंटू 500 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6 यह है 1132.81 mm। तो लैप लेंथ का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट टेंशन के लिए, 35 और 2 एल डी। तो 30 इंटू 5 कितना है आपका, 5 है 20 mm का, और 2 डेवलपमेंट लेंथ कितना आ रहा अपना, वो आ रहा है 1132.81, मतलब 600 और इसका डबल, ये देंगे 2 65.62 मिलीमीटर। आपको चूज करना है मैक्सिमम वैल्यू, चूज मैक्सिमम वैल्यू। तो लैप लेंथ क्या हो गया, लैप लेंथ इज 2 65.62 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लैप लेंथ बहुत ज्यादा आ रहा है, बट डेटा ही उस प्रकार दिया है इसलिए आपका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो लैप लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या था, 35 और 2 टाइम्स एलडी, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी हम लोग वो चूज करेंगे। मैं एक बार इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 0.87 इंटू 500 इंटू 20 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6, यस आंसर इज करेक्ट 1132.81। नेक्स्ट, अगर आपको फ्लेक्जरल टेंशन के लिए निकालना है, फ्लेक्जरल टेंशन, तो इसका फॉर्मूला है लैप लेंथ का, इट इज 24 फाइव और एल डी, वो था 24 फाइव और एल डी, ठीक है। चलिए इसका लैप लेंथ निकाल लेंगे, तो 24 इंटू 5 कितना है, 5 है आपका 20 का, तो 24 इंटू 20 इज 480 mm, और एल डी कितना है आपका, सो लैप लेंथ इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन ये होता है 35 और एल डी,
यहाँ मेरे से गलती हो गई थी, यह है 35 और LD, तो 30 इंटू 5 करेंगे, 30 इंटू 5 है आपका 20, और LD कितना निकला आपका टेंशन के लिए, वो था डबल 1132.81, इट इज 1132.81 जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये आएगा 600 और 1132.81 mm। तो लैप लेंथ आप चूज करेंगे दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू वो है 1132.81 mm, दिस इज द लैप लेंथ। एक लास्ट केस बचता है अपना, केस नंबर 3, वो है डायरेक्ट कंप्रेशन वाला केस, डायरेक्ट कंप्रेशन। तो उसमें लैप लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, लैप लेंथ होता है उसमें 24 फाइव और LD, विच एवर इज मैक्सिमम। इसमें आप LD का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फाइव इंटू 0.87 FY या 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 टाइम्स टाउ BD, FY है 500, फाइव है 20, टाउ BD है 1.2। ध्यान रखना FE 500 के लिए इसको 1.6 से बढ़ाना है, और बार आपका कंप्रेशन में है तो कंप्रेशन के लिए कोड ने क्या कहा है, इसको 25% से भी बढ़ाना है। दिस इज फॉर डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार के लिए आपको इसको 1.6 से मॉडल करना है, और बार्स इन कंप्रेशन आपको इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो अब निकलेगा यहाँ से आपका LD, तो इसमें LD निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग था, तो वर्कआउट करते हैं अभी हम लोग LD। तो 0.87 इंटू 500 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6 इंटू 1.25, ये आएगा 906.25 mm, ठीक है। तो लास्ट में आपका लैप लेंथ क्या आता है, लैप लेंथ आता है 24 इंटू 20 और LD कितना है 906.25, विच एवर इज मिनिमम, सॉरी विच एवर इज मैक्सिमम, चूज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द लैप लेंथ। तो आपका लैप लेंथ कितना आ रहा है, वो आता है 906.25 mm, ठीक है। ये अलग अलग केसेस के लिए आपको लैप लेंथ निकालने के लिए बोला था, पहला केस था टेंशन का, तो मैंने टेंशन दोनों निकाल लिया, एग्जाम में आपको कोई एक निकालना है, और एक है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला है 35 और 2 LD, फ्लेक्सुरल टेंशन का फॉर्मूला है 35 और LD, डायरेक्ट कंप्रेशन का फॉर्मूला है 24 फाइव और LD, विच एवर इज मैक्सिमम वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ फॉर अ बार ऑफ 16 mm डायमीटर इन कंप्रेशन बोला है, द ग्रेड ऑफ स्टील इज FE 500 एंड द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इज 1.2 फॉर प्लेन बार इन टेंशन। तो आपको इसमें 16 mm का बार दिया हुआ है और आपको कंप्रेशन में इसका डेवलपमेंट लेंथ वर्कआउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर दिया है 16 mm, टाउ BD का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, यहां पर वो दिया है 1.2। ये जो 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ये होता है फॉर बार इन टेंशन, ये टेंशन के लिए वैल्यू वैलिड है। तो आपको LD निकालना है FE 500 का, मतलब FY दिया है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपको इसको कंप्रेशन में वर्कआउट करना है, और बार इन कंप्रेशन में वर्कआउट करना है। तो LD का फॉर्मूला क्या था, 0.87 FY 5 by 4 टाउ BD, तो ये आएगा 0.87 FY 500, फाइ है आपका 16 mm का, टाउ BD है 1.2, FE 500 के लिए इसको आपको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, और बार आपका कंप्रेशन में है तो उसको 1.25 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू mm में वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी आएगा वैल्यू आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है।
सो दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफॉर्म्ड बार, ये डिफॉर्म बार है और डिफॉर्म बार साथ साथ कंप्रेशन में है, तो डिफॉर्म्ड के लिए फैक्टर था 1.6 का और कंप्रेशन के लिए फैक्टर क्या था 1.25 का। वन लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द एंकरेज वैल्यू ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री बेंड फॉर 20 mm डायमीटर बार। आपको निकालना है एंकरेज वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द एंकरेज वैल्यू। तो एंकरेज वैल्यू निकालना आप लोगों, लास्ट क्वेश्चन है, एंकरेज वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। पहला है फॉर 45 डिग्री बेंड, तो 45 डिग्री का बेंड है, डायमीटर कितना आपका, डायमीटर है 20 का, तो 20 mm डायमीटर, तो एंकरेज वैल्यू होता है फॉर 45 डिग्री बेंड दैट इज 4 × 5, मतलब 4 × बार का डायमीटर है 20 का, वो जाएगा 80 मिलीमीटर। सिमिलरली फॉर 90 डिग्री बेंड के लिए एंकरेज वैल्यू क्या होती है, वो होती है 8 × 5, मतलब 8 × 20 विच इज 160 मिलीमीटर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 45 डिग्री बेंड के लिए एंकरेज वैल्यू होती है 4 × 5 और 90 डिग्री बेंड के लिए एंकरेज वैल्यू होती है 8 × 5। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के बॉन्ड दैट इज टाइप 2 शीरेन बॉन्ड का हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।